गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत शनिवार को रसायन विज्ञान विभाग में साइंस फैकल्टी की ओर से आयोजित साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट विषय पर लेक्चर का आयोजन किया गया। रसायन विज्ञान विभाग के साइंस फैकल्टी के द्वारा आयोजित साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट विषय पर जनरल साइंस कांग्रेस की प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना अमेरिका से ऑनलाइन जुड़ी रही। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट खासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट पर लेक्चर दी। इस मौके पर विभाग अध्यक्ष सहित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने कहा। शांतनु रस्तोगी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय। आज साइंस फैकल्टी लेक्चर था कन्वोकेशन वीक, 39th कन्वोकेशन वीक के सेलिब्रेशन में, और डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जो जनरल साइंस कांग्रेस की प्रेसिडेंट है इस ईयर, वो हमारी चीफ गेस्ट थी। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे अपनी स्पीच दी। बहुत ही सारगर्भित उनका भाषण था। उसमें भारत वैक्सीन के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स इंडिया में लॉन्च हो रही हैं और कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम लोग फ्यूचर में बेटर साइंस की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इसमें विज्ञान संकाय के सभी विभागों के, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सबके अध्यक्ष मौजूद थे। और डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुछ शिक्षक विज्ञान संकाय के थे और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे, बाकी करीब 60 लोग ऑनलाइन जुड़े थे।